शुक्रिया गुजार हैं आप जी हाँ, बिकॉज इतने दिन बाद बोंगाटा प्लेटफॉर्म में आप आए हैं, हमारे लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को, बिकॉज कलकत्ता से इतने बड़े आर्टिस्ट को हम लोग शो कर रहे हैं पूरे इंडिया को, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो बहुत ही चाहने वाले हैं आपके पूरे इंडिया में, हम लोग देख रहे हैं दिल्ली लखनऊ सब जगह से, बहुत ही रिक्वेस्ट आया है कि विलियम दा का आप लोग वीडियो बनाइए। तो आपके लाइफ स्टोरी के बारे में आज हम लोग समझेंगे, कैसे आप इसमें आए हैं, कैसे आपका दिलचस्पी आया है, तो थोड़ा बताइए हम लोग को कि कैसे आप, कितने दिन से आप हैं, कैसे आप इसमें आए हैं। हम ये 72 से ये पतंग है बना हुआ, तो लोहा का काम करता हूँ मैं। तो वो आदमी एक बार हमको बोला था, जो आप पतंग क्या उड़ाइएगा, उड़ा नहीं पाएगा। तो हमने बोला क्यों भैया, बोले ये पतंग की बात है, आपको समझ में नहीं आएगा। बोले अच्छा बात है भाई, बोले नहीं आपको नहीं देगा, जाइए। तो मैंने सोचा जो क्यों नहीं देगा भाई, तो हमने घर में बैठ के सोचा क्यों नहीं दे रहा हमको, तो हम एक बार पतंग ट्राई करें। तो हमने एक तो पतंग खरीदा था, उसी से हम फरमा निकाल के हम पतंग बनाया। उसका बाद मैं उड़ाया खुद, तो ठीक है, आस्ते आस्ते करके बनाने शुरू किया। उसका बाद नकलों में हमने, मेरे एक दोस्त ले गया, बोला कंपटीशन में देगा तुम्हारा पतंग, तो मैंने उसको दिया पतंग, तो वो वहाँ से मेरा नाम बढ़ गया। मतलब करीब करीब इतने, जो आपका पहला ये था जी हाँ, कि आपको कोई दुकानदार या नहीं, नहीं दे रहा था पतंग, कि आप कुछ नहीं, उसको नहीं मान लिया। हाँ, हम बना पाएंगे, बना के बोला तुम लोग छोटा है, क्या पतंग उड़ाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन हमको तो बनाना है। हाँ, आके दिखाएंगे और बना। तो 20 बरस का उम्र से मैं पतंग बनाने सीख गया। 20 बरस के उम्र से ही आप पतंग बना रहा, और ये करीब करीब अभी 68 हो गया। 68 करीब 50। तो भारतवर्ष में कहाँ कहाँ आपने 50 सालों में कहाँ कहाँ पतंग भेजे हैं? मैं तो नकलाओं में तो बेची दिया, कलकत्ता में तो हमारा पतंग उड़ते ही है। अच्छा। उसका बाद मैं कॉम्पिटिशन में दिया पतंग, मुरादाबाद में दिया, मेरठ में दिया, दिल्ली दिल्ली हाँ दिल्ली तो सबसे पहले दिया हुआ है, उसका बाद तो मुरादाबाद, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, ये सब। तो हर किस्म का डिजाइन जी हाँ, कौन से डिजाइन बनाया? कोई भी डिजाइन, मतलब हद्दा में बनाया भी, पौना में भी बनाया, हमारा मोबाइल में भी है एक से एक डिजाइन। अच्छा। पतंग का मैं वर्कशॉप में भी भेज देता हूँ। अच्छा। हमारा सारा हिंदुस्तान में आदमी हमको बोलता है फैंसी पतंग का लिए, मगर हम हर टाइम नहीं बनाता ना, वो वेदर का ऊपर में होता है। अच्छा, वेदर के ऊपर मतलब? जी हाँ, वेदर के ऊपर मतलब कैसे? जैसा बरसात हुआ है अभी, जैसा ठंडी गिरी आएगी बहुत, हाँ, तो उस टाइम में जुड़ाई होगा पतंग, और बिना ठंडी में नहीं होगी पतंग, गर्मी में नहीं होगा। अच्छा, तो आप ठंडी के समय आपका जुड़ाई हो जाएगा, बरसात में हो जाएगा। अच्छा। हाँ, हर किस्म का डिजाइन बोलने से हमको, एक बार दिखा देने से डिजाइन मैं बना लूंगा, और दर्शकों को तो आपके पतंग हम दिखाएंगे जी। हाँ। आपके पास आज डिजाइन्स हैं। हाँ, हाँ। बट फिर भी जो इस टाइप के पतंग बनाने में जो आप कागज का जो इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वो कागज थोड़ा सा आप अगर बताइए क्या है? देखिए, ये 4.7 है। अच्छा। ये पीला वाली है, जर्मनी पेपर। ओ,
अच्छा ये 4.7 हाँ ये काला वाली है 4.7 और ये पीला वाली जर्मनी पेपर है। अच्छा जर्मन पेपर जी हाँ। ये सब कहाँ से आता है? ये मेरा दोस्त है लंदन में रहता, वो हमको लाके देता है। ये लंदन से आपका? हाँ लंदन से वो लाके हमको देता है। यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ मिलता था बंद हो गया। ओके। तो वो लंदन से लेगा था मेरा। लंदन में भी आपके चाहने वाले हैं? जी हाँ। वो प्राइस क्या थोड़ा ज्यादा रहता है या ज्यादा रहता है? फॉरेन में देता है तो 200-250 रुपए एक पतंग की। वो हाँ वो फैंसी पतंग देता, किस लिए उन लोग ऐसा प्लेन वाली पतंग नहीं लेता है, वो फैंसी पतंग उड़ाता हूँ मैं। लंदन हाँ ऐसा जाएगा आपका पतंग, वो सब फैंसी फैंसी पतंग। अभी कोई तो आपका ये गाटदार पतंग बनाता नहीं है? नहीं 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 नहीं, तो गाटदार पतंग है हमारा, शुरू से गाटदार है। अभी भी? हाँ अभी भी रही देखिए रखा हुआ है। अच्छा अब गाटदार कंपनी का क्या खास है बोलिए? ये खास क्या है? ये ओरिजिनल मूली बांस है। अच्छा। एक होता है कान बांस। अच्छा। तो ये मूली है। अच्छा। मूली का गांठ जो होती है बड़ा छोटा होता है। ओके। हाँ और उसका ताकत बहुत होता है। अच्छा। इसलिए वो ढोलू बांस से बेसी मजबूत इसका ही है। अच्छा। ये 10 साल रख देगा तो कुछ नहीं होगा। तो आपको कितना दिन, एक्चुअली 3-4 साल तो रखना ही पड़ता है एक? नहीं नहीं 15 दिन एक महीना रख के उसके बाद उड़ा सकता पतंग। अच्छा। फिर उसके बाद आपका शौक है, 10 बरस रखिए या 20 बरस रखी है। नहीं आप जो जहाँ से ठंडा लाते हैं जी हाँ, तो करंट तो आप बनाते नहीं है? नहीं नहीं मैं करंट बनाता हूँ। अच्छा। मगर वो केमिकल हम लगाते हैं कमानी। अच्छा। में आपका ये चीज खास है जो आपका जो गुड्डी होता है जी हाँ, जो उसमें ठंडा लगाते हैं जी, उसमें कीड़ा वगैरह आता नहीं है? मैं वो केमिकल है मेरा, इसमें कमानी में भी केमिकल लगा हुआ है। मैं ये देखा हूँ जी हाँ। मेरे पास भी था 4-5 गुड्डी। आपका आपका भी? हम आपको 15 साल का पतंग दिखाएगा। आपका ही तो मेरे पास है, 25 साल पुराना मेरा पास है। और ये आप जो बना रहे मुर्दे, ये तो जाएगा बाहर नकलाओ लखनऊ। हाँ ये लखनऊ जाता है। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। आप मोस्ट ऑफ क्या बनाते हैं, पौना और अद्धी? अद्धी अभी ठंडा गड्ढे में अद्धी कम बनती है। अच्छा। हमारा पौना बेसी बनती है जो बाहर जाने के लिए। अच्छा। बाहर जाने के लिए। और कितना आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा? ऑर्डर आप हमको बोलिएगा 200 पतंग बना देने तो एक महीना पहले बताना पड़ेगा, 15-20 दिन आगे बताने पड़ेगा हमको। अच्छा। तभी हम आपको बना के रख देगा। और आपसे आपका गुड्डी में एक चीज खास देखे है, क्योंकि आपका जो गुटाई होता है ना जी बहुत एक्यूरेट होता है। हाँ गुटाई बहुत सारा लोग गुटाई करता है, बट आपका गुटाई एकदम नहीं, वो गुटाई करने का तरीका है, वो तरीका है करने का। अच्छा। वो अंग का जोर से नहीं होता है, वो एकदम बस और कुछ नहीं, तरीका जो है। हाँ, वो आप एकदम बारीकी से करते हैं। हाँ बारीकी, देखिए सामने में रखा हुआ पतंग, वो धूप में भी रखेगा तो चमकेगा, और वो जो पतंग बनाता है उन लोग वो चीज तो नहीं है। और एक चीज विलियम जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मुरादाबाद से जो गुड्डी वगैरह आता है जी हाँ, वो लोग तो बोलता है हर एक गुड्डी का 3-3 फार्मा होता है जी हाँ, अद्धी में भी फार्मा होता है हाँ, पौनी में भी 2-3-4 फार्मा होता हाँ, है। तो एक्चुअली क्या है, अभी जो विंटर सीजन में कोलकाता में लगता है पैचेस मोस्ट प्रोबेबली 800 तो कौन सा फर्मा आपका अच्छा है? गोल हमारा पास 100 फर्मा है। 100 कोई ऐसा कारीगर का फर्मा नहीं है जो मेरा पास नहीं है, नहीं। हर फर्मा से हम बना सकते हैं। 100 फर्मा है मेरा पास, बहुत बड़ा। कोई भी कारीगर, देखिए ये जो पतंग बन रहा है ये गफ्फार भाई का है। अच्छा गफ्फार भाई का। हाँ, वो तो बेचारा इंतकाल हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये पतंग हमको कोई आदमी ला के दिया था तो हमने पतंग उड़ाया उसका, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा आप अभी भी शौक करते? हाँ शौक करता हूँ। तो मैं उसको बोला ये पतंग हमको एक तो देना भैया, मैं आपको 4 पतंग बना के देगा, आप ट्राई करके देखना। तो तभी हमको बोला उन लोग जो तुम्हारा दिमाग बहुत हल्का है, तुम ठीक पकड़ लेता। तो हम बोला हम लोहा का काम करता, हम एक बार देखने से वो चीज तो हम बना देगा, किसलिए वो तो मेरा माइंड में रह जाता है। हम सोचा कब घर जाकर हम कब बनाए। पर आप आपका तो अभी काम भी करते हैं, टाइम कितने अब दिन में? टाइम हम सुबह से जाता है हाँ। अभी तो लॉकडाउन है ना, तो हम 4 बजे चलाता है। मैं
चार बजे बोर्ड को उठ के काटी छीन लेता है। अच्छा, चार बजे बोर्ड को काटी छीन लेता है, छील छाल के रख देता, 9:30 बजे निकल जाता है। फिर मेरा मालिक को बोल देता हम टिफिन नहीं करेगा, हम आगे चले जाएगा घर। अनेक खाटे बाँस नहीं से मिटे फिर से घाटा ने छेड़े बहुत चारटे समय उठे काज करे और खाटुनि खूब है और संगे संगे हमें एक हेल्प कर दी। सारा दिन अनेक बार फोन आसे, रात 12:30, 11:30 मैं फोन कर ही जाए बहरे देखे गुणिर जन्े मैं एत भलो बनाए एत डिजाइन भलो बनाए एत कि मैं उनार पिछने मैं पड़े ही रही है गुणी गुणी कर पागल हो जा আর অনেক দূরে দূরে থেকে লোক আসে আর হাতের কাজ খুব ভালো ওনার, ওনার এত হাতে কাজ ভালো, কথাবার্তা এত ব্যবহার ভালো, ওনার দিয়ে সবাই ওকে খুব ভালোবাসে। ट्राई किया था आपका सर्दी से 1200 मीटर जस्ट गया था, टेस्ट किया आपका गुड्डी राइट बोले तो राइट ही जा रहा है, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट ही, हाँ, ठीक तरह से गिर रहा है। तो वो पतंग अलादा होता है बनाने के लिए, जान है बहुत, जान तो बहुत है, वो गांठ वाली काठी से बनाने से वो 1500 में जाएगा। और आपका एक खास चीज देखा उस गुड्डी में, टेपिंग भी मैंने नहीं किया था, हाँ, टेप छोड़ के फटा नहीं 14-15 का, हाँ, तो उस टाइम का जो अजंता पेपर था ना 4.7 वो अभी कहाँ मिलेगा। अच्छा, पेपर का भी अभी नहीं मिलेगा, अभी कोई कोई बोलता है मुरादाबाद से पेपर वगैरह आपका आता है, हम दिखाएगा आपको सैंपल हमारा पास है, सेम आता नहीं, वो नहीं मिलेगा। तो अभी कौन सा पेपर जो है? ये 4.7 है, मगर वो 4.7 है वो महीन है और डीप है ब्लैक। अच्छा, डीप ब्लैक है। तो मोटा मोटा जो पता चला, अभिषेक जो आपको पूछ रहा था, जो आपको पूछा है, जी हाँ, आपका 1500-1400 भी आपका, हाँ, गुड्डी, और हमारा पौनी लड़ती है 2000 में 2500 में, आपका चाल भी नहीं बिगड़ेगा नहीं, आप जो चाहिएगा वही होगा ना, घोड़े के लगाम जैसे, हाँ, जिस तरफ बोलेंगे हमारा, जो असल बात है ना, घाट काठी जो है ना, घाट काठी बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो आप उसको वो छीलने का बैलेंस होने चाहिए। देखिए ये जो है ये छिलाई होने चाहिए, देखिए देखिए अभी इधर इधर है भागा हुआ, अभी हम इसको घोड़ा के अब इसको देखेगा, देखिए अब इसको हम पकड़ के इसको छील देगा, देखिए यही हुआ फिनिशिंग, देखिए मतलब कि ओरिजिनल चीज साइड में ही होता है। जी हाँ, ये बाजू जो है, ये बाजू है ओरिजिनल काम, यही बाजू काम होता है, यही बाजू होगा। तो विलियम का ये आप काइट के प्रोफेशन में, जी हाँ, बिकॉज़ काफी लोग तो नौकरी करते हैं, हाँ, तो जॉब करते हैं, बट आप ये काइट के प्रोफेशन में फुल फ्लेजेड आए, जी हाँ, ये आपको कैसे, ये कब से आपको मन हुआ कि एकदम फुल फ्लेजेड डीसी में आके, मैं कैसे, आपको ये सोच कैसे आई? मेरे जब काम से जब हमको टाइम मिलता था तो मैं 2-1 पतंग बनाता था घर में, तो हम सोचा क्यों नहीं बने, तो उससे करते करते मैं पतंग बनाने सीख गया, तो उसका बाद हम मैंने नकलों में जब दिया, उसका बाद उन लोग जब बताया तो मैं 12 करके डेली पतंग काम से आके बनाता था। आप दिन में फिर भी कितना पतंग बना लेते हैं? दिन में मैं 30 पतंग बनाता हूँ। हाँ, अद्धी या पौना, अद्धी हो या पौना हो 30 पतंग बनता है। आपका ज्यादातर पतंग कौन सा बनता है? अद्धी बनता है, अद्धी बनता है, मगर वो गर्मी के टाइम में बनती है। अच्छा। और वो जाड़ा के टाइम में बड़ी गुड्डी पतंग बनती है। अच्छा। आपका तो पतंग ऑल इंडिया में भी चल, जी हाँ, हमारा ऑल इंडिया में भी होती है। मतलब अद्धी पौनी जो पूछ रहा है, हाँ, मतलब अद्धी आप बनाते हैं? हाँ, अद्धी बनाता हूँ, अद्धी और पौनी, हाँ, पौनी भी बनाता, अद्धी भी बनाता, मगर अद्धी तो टूर्नामेंट में नहीं लड़ेगा ना, वो अद्धी का जब टूर्नामेंट होगा तो अद्धी ही लड़ेगा, आने तो पौना है। तो जाड़ा का मौसम में आप पौना बनाते हो? हाँ, ज्यादा पौना बनाता हूँ। और गर्मी में आप अद्धी? अद्धी बनाता है, तो कभी कभी ठंडा में भी बना लेता अद्धी, किस लिए टूर्नामेंट वोमेंट होता है इधर कलकत्ता में, तो उसमें लड़ती है। तो एक एक महीने में आप कितना पतंग बना लेते हो? 30 जैसे आपने उनको बोला। जी हाँ, 200 पतंग बनाता हफ्ता में। हफ्ता में 200 पतंग? 200 पतंग बनाता हूँ। तो काफी लेबर का काम है? मतलब नहीं, हम सब अकेले ही करते हैं।
अच्छा अकेला करता मैं, जब काम में रहता हूँ बेसिक काम तब नहीं बनाता पतंग। अच्छा वो काटी छील के मैं चले जाता सुबह को, फिर टाइम रहने से तब बनाता, सब कुछ हम करते हैं अकेला। हाँ अच्छा। हमारा सब अकेला है, हाथ का है, हम किसी से करवाता नहीं। और ये डिजाइन विजाइन सब साफ साफ कुछ, ये तो बहुत ही बड़ी कलाकारी है। डिजाइन ये तो आपका सामने रखा हुआ है, तो हम देखेंगे एक एक डिजाइन। मैं आपका सामने यहाँ भी रखा हुआ है, ये तो आप हम लोग को बना के दिखाएंगे, आपको पता है। हाँ आप डिजाइन भी आपका तो बहुत ही हम लोग को अच्छा लगा है, जितना भी डिजाइन आपके पीछे भी लगा हुआ है तो जी। वो डिजाइन है ये जो आप लकड़ी जो ठट्टा कमानी का जी। हाँ ये आप कहाँ से लाते हैं? ये मीडियम रूप से लाता हूँ, मगर ये मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है। ये मूली बांस का, मूली बांस। हाँ ये ओरिजिनल मूली बांस रहेगा तो पतंग बढ़िया बनेगा। अच्छा अब वो ढोलू बांस से नहीं बनेगा भैया, मूली बांस से बने। हाँ मूली बांस, ये बांस का हमको एक्सपीरियंस है हमारा। अच्छा अच्छा नहीं आपका तो यहाँ आके बहुत ही एकदम लगता है काइट के जादूगर के यहाँ पे हम। जी हाँ शनिचर इतवार को आने से मेरा घर में हजार आदमी का भीड़ रहेगा। अच्छा हाँ शनिचर और इतवार। हाँ ओके आपको कौन सपोर्ट करता है? ये हमारा एक दोस्त है वो हमको सपोर्ट करता है, मगर वो मेरी संग में पतंग हमसे खुद लेके जाता है। अच्छा और वो ले जाके मुरादाबाद में इधर उधर बिक्री करते हैं। Sajna aa 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 aa